नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जैसा आप देख पा रहे हैं हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर की। जी हाँ, आप सोच के देखिए, क्या आपकी जिंदगी बिना बिजली के, बिना पावर के चल सकती है? बिजली का या पावर का इस सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? ये वीडियो आपके उन तमाम सवालों का जवाब देगा कि अगर आप पावर सेक्टर में निवेश की सोच रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को कम से कम पूरा देखें। लेंथी है वीडियो, लंबा है, बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं मैंने, ताकि आपको ये एनालिसिस मिल सके, ये अनुमान मिल सके कि पावर सेक्टर क्या है। इस वीडियो को बनाने के लिए जो डेटा मैंने इकट्ठा किया है, बहुत सारी वेबसाइट से डेटा इकट्ठा किया है, बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट से मैंने पॉइंट्स इकट्ठे किए, ताकि आपको बहुत जगह ना जाना पड़े, और एक कंपाइल्ड रिपोर्ट बनाने की कोशिश आपके लिए की है। सबसे पहले दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी हैं, बहुत सारा प्रे किया है। जिन दिनों तबीयत ठीक नहीं थी, आज मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, बिल्कुल सही है। आप लोगों की दुआएं हैं, और उम्मीद करता हूँ आपका और आपका परिवार सब सही होंगे। और जिनके साथ भी कोई दुर्घटना घटी है, मेरी संवेदनाएँ, मेरी फीलिंग्स, मेरी दुआएँ आप लोगों के साथ हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे दुख की घड़ी से अपने आप को संभाल पाएंगे, निकल पाएंगे, और ईश्वर आपको ये सब सहने की शक्ति दे। और जो लोग सही हैं वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने अंदर पावर लेके आए, जैसा इस सेक्टर में डिस्कस करने वाले हैं। पॉजिटिव रखें, बी पॉजिटिव। आई रियली होप कि ये वीडियो और ये आने वाली लाइफ हम सबके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि पावर सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। ये पावर सेक्टर बिल्कुल वही है जो आपके घरों में बिजली जाती है, जो हमारे कारखानों में, जो इंडस्ट्रीज में बिजली जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, या किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसी भी हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट के लिए हमें पावर सेक्टर चाहिए ही चाहिए। दोस्तों प्लीज, मेरी फिर से रिक्वेस्ट आपसे, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिल सके। और हाँ, ऐसी ही वीडियो बहुत सारे सेक्टर्स पे बनाने वाला हूं, तो जो लोग सीरियस स्टडी करना चाहते हैं और ऐसा एनालिसिस करना चाहते हैं जिसके बेसिस पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकें, तो वीडियो और ये वीडियो की सीरीज आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। मैं आने वाले टाइम पे पावर सेक्टर हो, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे वो कोई भी ऐसा सेक्टर है जिसमें मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक टर्न अराउंड हो सकता है, उसके ऊपर ऐसे ही डिटेल्ड प्रेजेंटेशन बनाऊंगा। दोस्तों ये टिप्स वालों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, तो जो सीरियस लर्निंग करना चाहते हैं वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। This standard disclaimer, actually, this video is purely for education learning purpose. So this is not at all an investment advice. So please do your study before taking any investment decision based on this information. Apni analysis karke hi trade le guys. पावर सेक्टर का कुछ इंट्रो ले लेते हैं, समझते हैं कि है क्या इस वीडियो में। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं करने क्या वाले हैं। हम इस इंडस्ट्री की हाइलाइट्स को देखेंगे कि इंडस्ट्री क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इस इंडस्ट्री का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे इंडस्ट्री पैदा हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, मार्केट का टोटल ओवरव्यू क्या है, कैसा मार्केट है इसका, मेजर प्लेयर्स कौन कौन है मार्केट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है द गाइज। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है इस इंडस्ट्री के, किन फैक्टर्स के ऊपर इसमें ग्रोथ की उम्मीद दिखाई देती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर के अंदर में है, और लास्ट में कुछ मेरी तरफ से बोनस टिप्स रहेंगी। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा काम की है गाइस। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप देखना चाहें तो क्या है, पावर इज अमंग द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल क्लासरूम की तरह पढ़ाने वाला हूं इस सेक्टर को, आपको समझ लीजिएगा, आप दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि वीडियो 30 मिनट का है, 40 मिनट का है, या एक घंटे का है। इंफॉर्मेशन लंबी ही होती है, टिप्स 5 मिनट में होती है। ये बिल्कुल भी टिप्स नहीं दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इट इज क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ द नेशंस। द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बिना पावर के कुछ नहीं हो सकता। इंफ्रा की बात करें, चाहे हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, चाहे हम अपने वेलफेयर की बात करें, बिना बिजली के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना पावर के हम कुछ नहीं कर सकते। इंडियाज पावर सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड इन द वर्ल्ड। क्यों है डाइवर्सिफाइड समझ लेते हैं। सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन रेंजेस फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्स सच एज कोल, लिग्नाइट, नेचुरल गैस, ऑयल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर टू वायबल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज सच एज विंड, सोलर एंड एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक वेस्ट ऑल्सो। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन द कंट्री हैज इंक्रीज्ड रैपिडली एंड इज एक्सपेक्टेड टू राइज फर्दर इन द ईयर्स टू कम। In order to meet the increasing demand for electricity in the country, massive addition to the installed generating capacity is required. जो power sector की अभी जो capacity है electricity generation की, उससे ज़्यादा होने वाली। हम एक consumption economy है, हम consumer based economy है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी populated economy है। तो इसका मतलब है कि जब हम ज़्यादा होंगे, हमारी consumption ज़्यादा होगी, हमारे aspirations ज़्यादा होंगी, हमारे businesses ज़्यादा होंगे, काम धंधे ज़्यादा होंगे, तो बिल्कुल लाजमी है कि power sector की हमें ज़रूरत
जरूरत पड़नी ही पड़नी है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इन मई 2018 इंडिया रैंक्ड फोर्थ इन द एशिया पैसिफिक रीजन आउट ऑफ 25 नेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, ऑन एन इंडेक्स दैट मेजर्ड देयर ओवरऑल पावर। मतलब कमाल की बात है, 25 नेशंस में चौथा रैंक करते हैं हम एशिया पैसिफिक में। इंडिया वॉज रैंक फोर्थ इन द विंड पावर, फिफ्थ इन द सोलर पावर एंड फिफ्थ इन रीन्यूएबल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज ऑफ 2018। सोच के देखिए हम कहां स्टैंड करते हैं, कितना बड़ा सेक्टर है गाइस ये। इंडिया रैंक्ड 6th इन द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज टू मेक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन द क्लीन एनर्जी एट $90 बिलियन। सोच के देखिए कितना बड़ा चंक हम प्रिवेल करते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री अमंग द G20 नेशंस, आपने सुना होगा ग्रुप 20 नेशंस को, दैट इज ऑन द ट्रैक टू अचीव द टारगेट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। एक पेरिस समझौता हुआ है जहां पे हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, वहां पे हम अकेली कंट्री हैं जो वहां पे उस ट्रैक पे जा रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस इंडस्ट्री की हाइलाइट्स क्या हैं। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इंडिया इज अ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ग्लोबली। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट इसी के अंदर में जो आता है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड विद एन इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ 379.13 GW एज ऑफ फरवरी 2021। GW इज गीगावाट। इंडिया वॉज रैंक्ड 5th इन द विंड पावर, 5th इन द सोलर पावर एंड 4th इन रिन्यूएबल पावर। ये हमने डिस्कस किया अभी। इलेक्ट्रिफिकेशन अचीवमेंट्स की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो इंडिया हैज बीन ऑन द पाथ टू अचीव 100% हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन एज एनविसेस्ड अंडर द सौभाग्य स्कीम। हम चाहते हैं कि घर घर बिजली पहुंच जाए। स्कीम के अंडर में एज ऑफ मार्च 2019 मोर देन 26.2 मिलियन हाउसहोल्ड्स वर इलेक्ट्रीफाइड। जी हां, नए 26 मिलियन घरों को उनको बिजली पहुंचा दी गई है और ये सौभाग्य स्कीम के तहत हुआ है और आगे ये और बढ़ने वाला है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2021 एंड 2022, अभी जो रीसेंट बजट है उसमें क्या प्रावधान है बिजली सेक्टर को, इलेक्ट्रिक सेक्टर को, पावर सेक्टर को, देखिए 139 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस वर एडेड। सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क को ऐड किया गया है एंड 2.8 करोड़ हाउसहोल्ड्स वर कनेक्टेड इन द पास्ट 6 ईयर्स। मतलब पिछले 6 साल में 3 करोड़ के आसपास घरों को बिजली से कनेक्ट कर दिया गया है। बहुत ही स्पीड से काम चल रहा है गाइस। ये वो सेक्टर है जो आने वाले टाइम में बहुत कमाल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रोबस्ट ग्रोथ इन रीन्यूएबल्स। आप ये सोच के देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। एज ऑफ फरवरी 2021 इंडिया हैड एन इंस्टॉल्ड रीन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ 92.97 गीगावाट। सोलर एनर्जी इज एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट 114 गीगावाट, फॉलोड बाय 67 गीगावाट फ्रॉम द विंड पावर एंड 15 गीगावाट फ्रॉम द बायोमास एंड हाइड्रो पावर बाय 2022। द टारगेट फॉर रीन्यूएबल एनर्जी हैज इंक्रीज टू 227 गीगावाट बाय 2022। बहुत ही जबरदस्त टारगेट्स हम लेके चल रहे हैं और बहुत ही स्पीड से हम बढ़ रहे हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री अमंग द G20 नेशंस दैट इज ऑन द ट्रैक टू अचीव द टारगेट्स। हम उस ट्रैक पे हैं जो अकेली कंट्री है जो हमने पेरिस समझौते के दौरान हमने किया है। अब फेवरेबल पॉलिसी एनवायरमेंट क्या है जो इस सेक्टर को बड़ा अट्रैक्टिव बनाता है? क्या जबरदस्त पॉलिसी है, 100% FDI इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट एक ऐसा रूट होता है गाइस जहां पे आपको गवर्नमेंट से RBI से परमिशन सीख करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के साथ में समझौता कर सकते हैं, करार कर सकते हैं और 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निवेश आप कर सकते हैं पावर सेक्टर एंड रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर। आप समझ गए होंगे कि इस सेक्टर में कितना दमखम बचा हुआ है। अंडर द यूनियन बजट रिसेंट 21-22 का जो बजट आया है उसमें द गवर्नमेंट प्रपोज टू लॉन्च अ नेशनल हाइड्रोजन मिशन फॉर जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर रिसोर्स। चलिए अब देखने की कोशिश करते हैं इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले बिफोर 1956 इसका इंट्रोडक्टरी स्टेज था। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट आया 1948 में। उसके बाद 1956 एंड 1991 में इसका नेशनलाइजेशन स्टेज हुआ जहाँ पे जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अंडर द स्टेट ओनरशिप राज्यों के अधीन उसको किया गया। उसके बाद 1991 से 2003 में इसको लिबरलाइज किया गया। एक एरा ऐसा है जहाँ पे इसको डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की गई। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट आया 1998 में फॉर एस्टेब्लिशिंग सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड नेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ्स। 2003 ऑनवर्ड्स ग्रोथ हीरा स्टार्ट हुआ जिसमें हम आज हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 आया, उसके बाद में इसमें तरक्की की संभावनाएं बढ़ती चलेगी। चलिए देखते हैं मार्केट का ओवरऑल ओवरव्यू क्या है। गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। अगर आप बोर हो रहे हैं तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, पर अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखना है और इसके बेसिस पे आपको अपने निवेश की सलाह करनी है, अपने आप से निवेश का प्लान करना है, तो ये वीडियो बड़ा काम आएगा आपके। विद जनरेशन ऑफ 1558.7 TWh होगा टेरावाट आवर। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे संसार में सोच के देखिए, हिंदुस्तान तीसरा सबसे बड़ा देश है जो सबसे ज्यादा बिजली पैदा करता है
और सबसे ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा आगे आगे और चार्ट के पे देखने की कोशिश करेंगे। ऑल दो पावर जनरेशन हैज ग्रोन मोर देन 100 फोल्ड सिंस इंडिपेंडेंस, अगर आजादी के बाद की बात करें जी हाँ, उस तब तक तो अंग्रेजों के हाथ में देश था, अब देश हमारे हाथ में है। वहां से 100 गुना बिजली की डिमांड और प्रोडक्शन बढ़ गई है, ग्रोथ डिमांड बढ़ गई है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी बढ़ी है। इंडियाज एनर्जी फर्म हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द ग्लोबल एनर्जी सेक्टर। अकॉर्डिंग टू द S&P ग्लोबल प्लान्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी रैंकिंग्स 2019, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जी हाँ, दे रैंक 19th एंड 25th रिस्पेक्टिवली। पूरे वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड इंडियन ऑयल, रिलायंस 19वें स्थान पे है, इंडियन ऑयल 25वें स्थान पे है। जी हाँ, ये बड़ी कमाल की बात है, बड़े गर्व महसूस करने वाली बात है हमारे लिए। अब देखिए, हमने कहा था इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे पहले नाम आता है चाइना का। चाइना की जो टेरावाट आवर कैपेसिटी है दैट इज 7504, अमेरिका की है, यूएस की 4401, थर्ड नंबर आता है इंडिया का 1558.7, उसके बाद रशिया का नंबर आता है, उसके बाद जापान का नंबर आता है, उसके बाद कनाडा और लास्ट में आता है जर्मनी। ये टॉप की 7 कंट्रीज हैं गाइस, जिसमें इंडिया थर्ड रैंक पे है, आप देख सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि पावर जनरेशन कैसे पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, बहुत रैपिडली बढ़ा है। 2016 से 2020 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया ने ग्रो किया 4.3 CAGR की दर के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इंडियाज पावर कंजप्शन ग्रू बाय 0.88% एट 104.73 बिलियन यूनिट्स इन फरवरी 2021। ये कमाल का आंकड़ा है गाइस, कंपेयर विद द 103.81 बिलियन यूनिट्स, पहले 103 था, अब 104, मतलब कंजप्शन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। अंडर द यूनियन बजट 2021-22 सरकार ने इस बजट में बहुत ध्यान दिया है पावर सेक्टर को। देखिए, द गवर्नमेंट has allocated rupees 15,322 crore, $2.11 billion for the Ministry of Power and rupees 5,753 crore rupees for the Ministry of New and Renewable एनर्जी। सोच के देखिए कि ये वो सेक्टर है जो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर हो सकता है। पिछले एक साल से मैं आपको कह रहा हूं, पावर के बिना गाड़ी पटरी पे नहीं आएगी। किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए पावर का लिबरलाइज होना बहुत जरूरी है, पावर का बहुत ही अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है, पावर का आसान होना बहुत जरूरी है। ये सारे कदम पावर को आसान बनाने के लिए, सेक्टर को आसान बनाने के लिए, इसमें निवेश लाने के लिए किए जा रहे हैं। और जब किसी सेक्टर में निवेश आता है गाइस, तो उस सेक्टर में चार चांद लग जाते हैं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ पावर्स हैं, अगर वो देखा जाए विद द शेयर्स इन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, वो क्या है। सबसे बड़ा चंक थर्मल से आता है, विच इज 61.5%। और थर्मल में कौन कंट्रीब्यूट क्या करता है, कोल कंट्रीब्यूट करता है, गैस एंड लिग्नाइट कंट्रीब्यूट करता है, डीजल कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया हैज लार्ज रिजर्व कोयल, बाय फेब 21 द टोटल इंस्टॉल्ड कोल थर्मल पावर कैपेसिटी इन इंडिया वॉज 201.08 gigawatt by 2022. It is expected to witness total installed capacity addition of 47.86. पहले 201 gigawatt का हमारे पास installed capacity है, इसको बढ़ाया जा रहा है 47.86 gigawatt से। India's gas thermal capacity stood at 24.96 gigawatt as of February 2021. By 2022, it is expected to witness total installed capacity addition by 0.41 gigawatt. लिग्नाइट थर्मल पावर कैपेसिटी स्टूड एट 6.26 गीगावाट एज ऑफ नवंबर 2020, कोल गैस एंड लिग्नाइट डीजल। इंडियाज डीजल थर्मल पावर कैपेसिटी वाज 0.51 गीगावाट एज ऑफ फरवरी 21। रिन्यूएबल कंट्रीब्यूट करते हैं 24.5% के हिसाब से। एंड विंड एनर्जी इज द लार्जेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन इंडिया, लार्जेस्ट, जी हाँ। हाइड्रो कंट्रीब्यूट 12.2%, then nuclear contributes 1.8%, and as of February 21, India had 6.78 gigawatt of installed nuclear capacity with one of the world's largest reserves of thorium. India has a huge potential in nuclear energy. By 2022, India is expected to witness total installed capacity addition of 3.30 gigawatt. कैसे वर्ड थोड़े टेक्निकल होंगे, आपको शायद ना समझ में आए, पर जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो चीजें और भी जबरदस्त क्लियर होती चली जाएंगी। अब सोर्सेज ऑफ पावर विद शेयर्स इन टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है। In FY20, the total thermal installed capacity in the country stood at 230.59 gigawatt. Renewable hydro and nuclear energy installed capacity totaled 87.02 gigawatt, 45.69 gigawatt and 6.78 gigawatt respectively. By 2022, India has a target to achieve total production of 227 gigawatt from renewable resources, of which 114 gigawatt will be produced from the solar power. सोचिए कहां पे पैसा लगाना है। एज पार्ट ऑफ द ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट, पावर लाइंस वुड ट्रांसमिट 20 गीगावाट ऑफ पावर कैपेसिटी फ्रॉम 34 सोलर पार्क्स अक्रॉस 21 सिटीज। एनटीपीसी लिमिटेड
ओल्डेस्ट यूनिट इन सिंगरौली उत्तर प्रदेश हैज अचीव द हाईएस्ट प्लांट लोड फैक्टर पीएलएफ ऑफ 100.24 अमंग ऑल थर्मल यूनिट्स इन द कंट्री बिटवीन अप्रैल 2020 एंड दिसंबर 2020। बहुत ही बड़ी कंपनी है एनटीपीसी। ऑल इंडिया पीएलएफ स्टूड एट 63.27% इन फेब 21 कंपेयर विद द 60.27% इन फेब 2020। ऑल्दो रिन्यूएबल एनर्जी रीजनरेशन इंक्रीज एट अ हेल्दी रेट ऑफ 6.6% फ्रॉम अप्रैल टू जन 21, इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन रिमेन लिमिटेड टू 17% ऑफ द ओवरऑल कैपेसिटी सप्लाई इन फेब 2021। जनरेशन कैपेसिटी क्या है गाइस? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हैव इंक्रीज्ड स्टेडिली ओवर द इयर्स, पोस्टिंग अ कैगर ऑफ 7.19 इन FY16 टू FY20। एनर्जी जनरेशन फ्रॉम थर्मल रिसोर्स स्टूड एट 736.87 बिलियन यूनिट्स बिटवीन अप्रैल एंड अक्टूबर 2020। कोल बेस्ड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया स्टैंड एट 201.08 गीगावाट एट प्रेजेंट एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 330-441 गीगावाट बाय 2040। Now this is the most interesting section for you guys. Who are the major players? Number one, NTPC. Number one, yes. NTPC is the largest power producer in India and it is also the sixth largest thermal producer in the world. Soch ke dekhiye kahan paisa aap laga rahe hain. With a total installed capacity of 62.9 gigawatt, NTPC has 71 power stations comprising 24 coal, 7 combined cycle like gas liquid fuel, 1 hydro, 14 renewables along with 25 subsidiaries and joint venture power stations. The group has over 20 gigawatt of capacity under construction. Abhi wo aur ban rahi hai 20 gigawatt ki. It has also diversified into hydropower, coal mining, power equipment manufacturing, oil and gas exploration, power trading and distribution. To NTPC ko aap khali NTPC mat samjhiye, it is a khajana, this is a black gold. NTPC group reported a 5290 megawatt commercial capacity addition plan for FY20. NTPC Limited achieved 100% plant load factor on May 9, 2020 in three of its thermal power stations. In June 2020, Republic of Mali awarded project management consultancy contract to NTPC for development of 500 megawatt solar park. So NTPC is not only thermal, it is solar also, right? It achieved highest daily gross generation of 977.07 million units on July 28, 2020. Second company is Tata Power. Tata Power is India's largest integrated power company with this significant presence in solar, hydro, wind and geothermal energy space. The company accounts for 52% of the total generation capacity in the private sector. कितनी बड़ी कंपनी है और किस भाव में मिल रही है आप सोच के देखिए। The company has an installed capacity of 10,957 megawatt by 2020. The company plans to increase the generating capacity to 18 gigawatt, distribution networks to 4 gigawatt and energy resources to 25 million tons per annum. Next is third largest is PFC, Power Finance Corporation. It is an NBFC, non-banking financial corporation, engaged in financing and development activities within the Indian power sector. जी हाँ, बाहर finance नहीं करती, Indian power sector को finance करने का काम करती है. Major production services includes project term loans, lease financing, direct discounting of bills, short term loans and consulting services. Bina PFC ke power sector ka kuch nahi ho sakta, samajh lijiye. Then comes the Adani Power. Aapne to sabne naam suna hi hoga, badi shandar company hai. Adani Power is one of the India's largest private thermal power producer, private, with total capacity of 12.45 gigawatt in 2019. The company aims to generate 20 gigawatt of power by 2020. In June 2020, Adani Green Energy won a major tender to set a 8 gigawatt of manufacturing linked solar energy project with the investment of 45,000 crore. मतलब इतना पैसा investment में आ रहा है, returns तो चाहिए ना यार। जो कंपनी 50,000 करोड़ रुपए की investment कर रही है, क्या वो अपने आने वाले time पे इसको, इस पैसे को निकालेगी नहीं, क्या इस profit को कमाएगी नहीं, क्या ये companies पागल हैं, कंपनी बिल्कुल भी समझ नहीं रखती कि सेक्टर में इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है। देन कम सीईएससी लिमिटेड। सीईएससी लिमिटेड इज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर एंगेज इन कोल माइनिंग एंड जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सोचिए कंपनीज कितनी इंटरलेटेड है। As of January 2020, it owns and operates 3 thermal power generating 125 megawatt of power. These are Bhuj generating system, Southern generating system and Titagarh generating system. Then comes the NHPC.
NHPC is the largest hydropower utility in India. In FY19, the company achieved the highest ever generating of 24.19 billion units. It is engaged in construction of two hydroelectric power projects with the aggregate installed capacity of 2,800 megawatt. Big one. It has drawn an extensive plan to add about 6 gigawatt of hydropower capacity by 2022. Big one. Then comes DVC. आपने बहुत कम लोगों ने सुना होगा इसको. This is Damodar Valley Corporation. It is engaged in power generation, distribution and transmission of electric power, irrigation and flood control. Special काम करती है. Then comes the SJVN Limited. आपने सुना होगा इस नाम को भी. SJVN Limited is the second largest hydropower company in India. अब आपको इस वीडियो में ये समझ में आ रहा होगा कौन hydropower में है, कौन thermal power में है, कौन solar power में है, कौन न्यूक्लियर पावर के अंदर में है. द कंपनी प्लान्स टू डाइवर्सिफाई इनटू विंड पावर प्रोजेक्ट्स वेरी सून. फॉर FY19 SJVN's कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स टारगेट वाज रुपीस 900 करोड़. 900 करोड़ पे लगाने वाले थे वो. एंड टर्नओवर टारगेट वाज रुपीस 2175 करोड़. बिग टाइम यार. इन दिसंबर 2020 SJVN Limited has been awarded 3 hydroelectrical power projects totaling 501 megawatt by the Himachal Pradesh government. और क्या चाहिए आपको? Power Grid, ये भी आपने नाम सुना होगा, इसके शेयर्स में आप ट्रेडिंग भी करते होंगे. Power Grid Corporation of India Limited is the single largest transmission utility in India. Single largest monopoly है यार. It is responsible for planning, coordination, supervision and control over interstate transmission system. As of Jan 2021, the company manages 140 kilometer of transmission lines and 252 substations. मतलब कितना बड़ा नेटवर्क इस कंपनी ने बनाया है. आप देखने वाली बात है कि इस सेक्टर के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इस सेक्टर में और ग्रोथ को लेकर आ सकते हैं. देखिए पॉइंट को पर ध्यान से समझिएगा, दिख लीजिएगा. इंडिया कैसी पीपीटी इसलिए बनाई कि अगर आपको वीडियो में समझने में परेशानी है तो आप इस वीडियो को पूरे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, बाद में इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, घर बैठ के खाली टाइम में दोबारा से देख सकते हैं, अपने एनालिसिस में इन पॉइंट्स को एज ए पॉइंटर यूज कर सकते हैं. इंडियाज पावर सेक्टर इज फोरकास्टेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 9 to 9.5 trillion बिटवीन FY19 to FY23. मतलब गेम बड़ा जल्दी होने वाला है. प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी टोटल US$1.4 billion इन 2019. Economic survey predicts an investment of US$330 billion in renewable sector by 2030. और क्या चाहिए ग्रोथ के कारण? India sector become a global manufacturing hub with investment across the value chain. Global, बड़ा जबरदस्त वर्ड है ये. बहुत बड़ा इशारा है इसमें, समझ के देखिए. द इंडस्ट्रियल सेक्टर अकाउंटेड फॉर 42% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन. ये तो आपको पता ही है, सबसे बड़ा कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से आता है. To create potential for domestic manufacturers and developers, government will auction 40 gigawatt of renewable energy projects including 30 gigawatt solar and 10 gigawatt wind energy every year till 2028. मतलब मेरे हिसाब से आने वाले 10 साल के लिए बड़ा जबरदस्त पैसा इस सेक्टर में आने वाला है. और 10 साल में जो लोग लंबी अवधि का निवेश करते हैं, मेरे हिसाब से पावर सेक्टर को उनको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए. आज तक ये सेक्टर चला नहीं है और आने वाले 10 साल में ये सेक्टर आपको बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे सकता है, बहुत ही जबरदस्त मल्टीबैगर साबित हो सकता है. पूरी एनालिसिस कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए. अंडर द यूनियन बजट 2021 द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स इन ऑल हाउसहोल्ड्स अक्रॉस कंट्री बाय 2023. ये भी प्लान हमने किया है. Union and state governments have agreed to implement direct benefit transfer scheme in the electricity sector for better targeting of subsidies. Subsidies सीधे आपके अकाउंट में आती है, तो हो ही रहा है. No environment clearance required for solar projects. सोलर एनर्जी की बाढ़ आने वाली है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, नए प्लेयर्स आने वाले हैं. अंडर द यूनियन बजट ऑफ 2021 द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 300 करोड़ रुपीस टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट अलोंग विद द 1100 करोड़ फॉर विंड एंड 2369.13 करोड़ फॉर द सोलर पावर प्रोजेक्ट्स. आपको समझ में आ रहा है निवेश कहाँ करना है? Indian government is preparing a rent a roof policy for supporting its target of generating 40 gigawatt of power through solar rooftop projects by 2022. मतलब अपने आप छत को रेंट कर सकते हैं, ये वो भी एक स्कीम आने, बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम्स आने वाली. पावर सेक्टर में बहुत बड़ा जबरदस्त रिफॉर्म्स आने वाला है. अब इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट्स हो रही है किसके थ्रू? FDI इनफ्लो के थ्रू. क्या है देखिए, पावर इज वन ऑफ द की सेक्टर्स अट्रैक्टिंग FDI इनफ्लो इन इंडिया. की सेक्टर फ्रॉम अप्रैल 2000 टू दिसंबर 2020 20 साल के अंदर में इंडिया रिकॉर्डेड FDI इनफ्लो वर्थ रुपीज 9.83 बिलियन इन द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर. न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर विटनेस मैक्सिमम पावर जनरेशन कैपेसिटी सिंस 2000. जबरदस्त. पावर सेक्टर अकाउंटेड फॉर 3% ऑफ टोटल FDI इनफ्लो अंटिल 2020. मतलब पूरे देश में जितना भी FDI इनफ्लो हुआ है उसमें से खाली 3%, मतलब पूरा 3% FDI इनफ्लो हमें पावर सेक्टर में ही देखने को मिला है.
Cumulative FDI inflow in the power sector stood at $15.36 billion between April 2000 and December 2020. Kya paisa aa raha hai yaar. Now we need to know what are the opportunities in the power sector. In the current decade, the Indian electricity sector is likely to witness a major transformation with respect to demand, growth, energy mix and market operations. Demand for electricity is expected to increase. Per capita consumption of electricity is estimated to be at 1894.70 terawatt hour by FY22. Current production levels are not enough to meet demand. Annual demand outstrips supply by about 7.5%. मतलब बहुत electricity generation की जरूरत है. Various reforms being taken by the government are positively impacting India's power sector. In wake of the surging domestic coal production, the country's power sector is becoming increasingly stable. Non-cooking coal consumption is forecasting to grow at a CAGR of 5.4% to reach 1076 MT in FY23 and 826 MT in FY18. Domestic supply is forecasted to reach 931 MT in FY23 from 664 MT in FY19, growing at a CAGR of 7%, which is very exciting. In order to decarbonize the energy consumption, pollution ko kam karne ke liye, India needs a 30-fold increase in renewable energy, 30-fold increase in nuclear energy and doubling of thermal energy, which would make 70% of energy consumption carbon free. सोचिए अगर ये हो जाता है और आने वाले 10 साल में हो जाता है, आपकी investment कहां से कहां जा सकती है? Now what are the bonus tips? Very simple. Renewable energy is the fast emerging as a major source of power. ये आपको समझना पड़ेगा, ये एक वो sector है जहां पे आपको नजर गड़ा के बैठनी है. Strong upward movement is nuclear energy likely to be seen in medium to long term. Due to present and upcoming reforms in the power sector, it will attract huge FDI investments, which will create huge investment opportunities coming decade. Just remember, power is the backbone of any country. No country can grow without power. Being underperformed for years, there is a silent whisper of growth ahead. Guys, this video was for learning and education purpose. I tried to mention all the points which I got to know from different sources of information through different websites. I googled them. Aapke paas utna time hai, aap kar sakte hain. You can also do that. It is very simple. It is, you just have to compile the points into a PPT or kind of report which I do, which you also can do. But if you don't have the time, if you don't have such time, so I'll be coming up with such videos, aise hi interesting videos aapke leke aata rahunga. Har sector ke upar aise videos banaunga jisme, I think this video will not give you which share to buy, which not to buy. This video will give you at least an idea ki whether this sector is worth investing or not, whether you can trust the present government or not, whether you can trust this sector or not. If you find, you know, there's a cycle in the economy, you know, sometimes one sector performs outperforms the market, and sometimes some other sector performs or outperforms the market, but a sector which is not performing for a number of years, there could be some reasons behind that. But any government cannot survive until unless they perform 360 degree wise. I mean, they have to take care of all the sectors, they have to see all the opportunities, they have to take care of all the segments which can, you know, really cater to the growth of the Indian economy. सरकार कोई भी आ जाए, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या आने वाली कोई भी सरकारें हो, देश हित में सोचना ही पड़ेगा, जन हित में सोचना ही पड़ेगा, हमारी इंडस्ट्री के हित में सोचना ही पड़ेगा. दे हैव टू थिंक व्हाट इंडस्ट्री कैन डू. हमारी स्कीम्स लाइक मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कैन रियली एक्सेल. दे कैन बी ब्रिलियंट स्कीम्स कमिंग अहेड अगर पावर सेक्टर ठीक हो जाता है, अगर पावर सेक्टर में FDIs आ जाते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स और स्ट्रांग हो जाते हैं, पैसा और अच्छे से आ जाता है. तो आई रियली थिंक कि दोस हु आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग पोर्टफोलियो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे मस्ट हैव पावर सेक्टर इन देयर पोर्टफोलियो. कितना करना है, क्या करना है, अपने एडवाइजर से सलाह लीजिए. मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको NTPC खरीदना है या आपको NHPC खरीदना है. जो शेयर आपको खरीदना है इस वीडियो के बेसिस पे या इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, उसकी और डीप स्टडी कीजिए. दिस पावर सेक्टर हैज गॉट पावर इनसाइड. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर स्पेयरिंग योर टाइम. Video has been lengthy, but information does not come into chunks. It comes in explanation. I try to explain this video. बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसा lengthy video बनाने की कोशिश की है, कुछ informative video बनाने की कोशिश की है, tips से हटके. I hope ये style आपको पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया है तो please comment section में जाके जरूर comment कीजिए कि और किस sector पे आप video चाहते हैं, या किसी ऐसी company के ऊपर अगर detailed video बनाना है इसी तरह से तो बना सकते हैं. बट आई वुड सी कि मैक्सिमम वोट्स किस वीडियो को आ रहे हैं, किस शेयर्स को आ रहे हैं, या किस इक्विटी के ऊपर आ रहे हैं, किस सेक्टर को आ रहे हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे. नहीं तो मैं तो बनाता ही रहूंगा, आपके सामने आती रहेंगी चीजें, आपको पता लगता रहे कि ये मैंने वीडियो बना दी है. आपको एक इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल. आई होप यू आर ओल्ड सब्सक्राइबर. थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग अगेन.
And if you are a new subscriber, welcome to the channel. Do not forget to hit the bell notification, because until unless you hit the notification, you will not get the notification. आपको नहीं पता लगे हमने क्या बनाया, क्या इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई. एंड आई कैन बेट यू दैट दिस कुड वुड बी द प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, जहाँ पे इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने पॉइंट वाइज आपके सामने रखी है. तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और डिसलाइक करेंगे तो रीजन दे दीजिएगा, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विश यू अ गुड लाइफ, गुड हेल्थ, एंड मे गॉड गिव यू पावर टू फेस दिस पेंडेमिक. थैंक यू सो मच, टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.